मोदी तेरी नारी चलेगी, मोदी तेरी आपका नाम बोलो। मेरा नाम साकिब देशमुख है। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि ईडी ने डेविस स्टेट के बैंक अकाउंट हमारे सीज किए। ये कड़ी निंदा है, ये कानून के खिलाफ है। ये एक ऐसी संस्था है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो मजलूम के लिए आवाज़ उठाती आई है हरदम, जहाँ पे भी बाढ़ आती है, रिलीफ का काम सबसे अव्वल में रहकर तंजीम काम करती है। आसाम हो, जगतर कर्नाटक हो, हर जगह पर जहाँ पे भी बाढ़ आती है तंजीम वहाँ पे जाकर रिलीफ का काम करती है, एक रिलीफ प्रोवाइड करती है। जहाँ पे फसादात होते हैं वहाँ पे गरीबों की मदद करती है, उनकी जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई करती है। और ऐसी एक तंजीम, ऐसी एक सामाजिक तंजीम के अकाउंट्स को सीज करना ये बहुत ही गलत बात है, शर्मनाक बात है। ईडी ने इसके ऊपर शर्म करना चाहिए। ये जाहिर तौर पे समझ में आता है कि ईडी किसके खिलाफ, किसके लिए काम कर रही है, क्या काम कर रही है। ईडी एक बिल्कुल कठपुतली बनी हुई आरएसएस की, जो लीडर के ऊपर कांग्रेस या अपोजिशन जो भी लीडर हो उसके ऊपर ईडी रेड करती है। वो हम बिल्कुल देखते आ रहे हैं, सबों के सामने है कि जैसी उसके घर पर रेड पड़ती है, उसके ऊपर रेडर पड़ती है, वो झट से बीजेपी में चला जाता है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा लीडर है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे कि वो भी बीजेपी में कन्वर्ट हो गया, जो सालों से बीजेपी के खिलाफ भाषण दे रहा था, ये कर रहा था। तो ये ईडी टूल बनी हुई है आरएसएस को। तो आज आरएसएस को खतरा है, डर रहा है, खौफ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि ये मजलूमों की जालिम की चाहे कितना भी जुल्म कर ले, पॉपुलर फ्रंट सफे अव्वल में खड़े रह के मजलूमों के लिए खड़ी हुई है, मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रही है। तो आज आरएसएस के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले उनके सामने आकर बात करने के लिए तैयार है, तो वो डरे हुए, सहमे हुए कि पॉपुलर फ्रंट से हमारी सच्चाई सामने आ रही है, संवैधानिक तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन वो तरी तरीके के प्रोपोगंडे बनाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आरएसएस समझ रहा होगा कि भाई हम डर जाएंगे, हम खौफ खा जाएंगे, तो हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है, खौफ खाने वाले नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से, पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे, हमारी संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। और हम इस यहाँ पर इसीलिए जमा हुए कि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरा मन तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे। हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि कानून हमारी बात सुनेगा और हमें इंसाफ जरूर। आप किसको निवेदन देने वाले हैं अभी? अभी हम निवेदन नहीं देना है, हम सब सिर्फ घोषणाबाजी करना है। बोलान गवर्नमेंट जो चल रही है, ये गवर्नमेंट बाय वन चल रही है, गवर्नमेंट बाय वन चल रही है। सर आपका नाम बताओ। मेरा नाम है सैयद फारूक, मैं माजी नगर से शाहू नगर जलगांव। ये गवर्नमेंट बाय वन चल रही है, एक हुक्मरान की हुकूमत चल रही है, समझे? यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट ये सब जो जनता की गवर्नमेंट है, यहाँ पर एक हुक्मरान की हुकूमत चल रही है जो ये ईडी काम कर रही है। और मैं इसका पुरजोर ये करता हूँ कि ये जो एक हुक्मरान की हुकूमत चल रही है ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसको अंदर से लोग इत्मीनान नहीं कर रहे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ये सब बाजू में रखते हुए ये ईडी काम कर रही है। तो ये ईडी लोगों को जो अल्पसंख्यक है उनको ज़्यादा टारगेट बना रही है। तो मैं ये इसका विरोध करता हूँ कि ऐसा कोई बिगर चौकसी करे बगैर एकदम डायरेक्ट ईडी का रेड गिर जाना या सरकम इंसिडेंट रिपोर्ट ना लेते हुए ऐसे हालात पैदा करना, ये इसमें समाज इनका इनकी भावना से खेला जा रहा है। जो आ रहा है हमारे
जो बुजुर्ग है उनके बारे में खिलाफ बोला जा रहा है, तो ये हुकूमत जो है हमसे फर्क कर रही है। इसमें हुकूमत का काम है कि ऐसा कोई एक हुक्म चलाता है कोई, तो जमहूरियत का ख्याल करे। देयर इज ग्रेट जो है देयर इज डेमोक्रेसी द एक मिनट देयर कैन नॉट बी एनी डेमोक्रेसी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर। क्या लॉ एंड ऑर्डर के बगैर सब झूठा पसारा है, समझे क्या? जो लॉ एंड ऑर्डर है जो, उसके बगैर जमहूरियत का वजूद होना ये मुमकिन नहीं। तो मैं एक मेरे तरफ से एक मशवरा है कि ये जो गवर्नमेंट बाय वन चल रही है इस पर गौर करें, और इसमें रेमोन कंटर कोई बता दे कि आरएसएस का है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा पुरजोर किया जाए। जो भागवत मोहन भागवत साहब ने जो बात रात को कही, उसके वो बात का एनालिसिस किया जाए। क्या डरना नहीं है, डराना नहीं, ये हालत खुद से पैदा करना है। एक अकलमंद आदमी जिसकी इज्जत हम भी करते हैं, कि हमारे एक संस्था के बहुत बड़े नेता है, हाँ, तो ये डरना नहीं, डराना नहीं, डरना नहीं, ये 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 क्या क्या इसके नतीज क्या निकलेंगे, क्या रिजल्ट निकलेंगे? सम पर्सन है डोर पर्सनलिटी दिस समथिंग एंड डू अदरवाइज, कहना कुछ और करना कुछ, ये बात इससे साबित होती है। और मैं इसका पूरी ओर विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ।